मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आइए अभी हम देखते हैं कि कौन लोग हिप्नोटाइज हो सकते हैं, कौन हो सकते नहीं है, उसके बारे में लोगों के मन में क्या गलत फहमियाँ हैं, तो वो देखते हैं। क्या होता है कि किसी के मन के खिलाफ हम किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। मतलब किसी को भी हिप्नोटाइज करना है तो उसकी इच्छा होना जरूरी है, उसने कोऑपरेट करना जरूरी है। यदि वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, वो सूचना ग्रहण नहीं कर रहा है, वो मेरे सजेशंस जो है वो नहीं ले रहा है, तो वो सम्मोहित नहीं हो सकता। किसी ने ऐसा बोला कि मैं आपको चैलेंज देता हूं, मुझे सम्मोहित करके बताओ, मुझे हिप्नोटाइज करो, तो हम बोलते हम चैलेंज लेते नहीं है और हम सम्मोहित आपके मर्जी के खिलाफ करते भी नहीं है। क्योंकि सम्मोहन उपचार के लिए वापरा जाता है और उपचार तभी हो सकता है जब उसकी इच्छा है, जब सामने वाले की रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो विनती कर रहा है कि मुझे करो सम्मोहित और मेरा इलाज करो, तब यह संभव है। तो सम्मोहन किसी के मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते, चैलेंज देके सम्मोहन होता नहीं है। और किसने ऐसा बोला कि मैं तो ठीक हूं, मैं तैयार हूं, मगर वो यदि ऊपर ऊपर से बोल रहा कि मैं तैयार हूं और अंदर से वो रेजिस्ट करने वाला है, तभी होता नहीं है। मतलब ऊपर से हाँ मैं करूंगा करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा, कोऑपरेट करूंगा, और अंदर से उसने ठहरा लिया कि अपने को नहीं होना है, तो फिर भी सभी भी संभव नहीं है। फिर जो लोग ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, एनालिटिकल मतलब बहुत ज्यादा छेद डालने वाले या बहुत ज्यादा विश्लेषण करने वाले, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचने वाले, ये कैसा होता है, क्या होता है, ऐसा क्यों, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा सवाल करेंगे और बहुत ऐसा एनालिटिकल ओरिएंटेड लोग रहते हैं, तो वो सम्मोहित नहीं होते। सम्मोहन में क्या है कि सूचना देते हैं तो सूचना लेना चाहिए, उसका ज्यादा विचार नहीं करना, उसके बारे में सोचना नहीं, ये सूचना ऐसी क्यों दी गई, ये सूचना में ऐसा क्या है, और ऐसा कुछ बोलेंगे तो उसमें सम्मोहित होता ही नहीं है। तो एनालिटिकल माइंडेड लोग है वो सम्मोहित होते नहीं है। फिर मंद बुद्धि के लोग सम्मोहित नहीं होते। मंद बुद्धि के इसका मतलब कि जो जिनका जिनका IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिनका कम है, या जो समझ नहीं पाते, जो सूचना दी गई वो समझ नहीं पाते, वो नेचुरली कोऑपरेट नहीं कर पाते और फिर वो सम्मोहित होंगे नहीं। तो मंद बुद्धि के लोग सम्मोहित होते नहीं। फिर जो ज्यादा ज्यादा ही इंटेलिजेंट लोग है, बहुत ज्यादा, और जिनका ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है और वो इंटेलिजेंट है और खुद को बहुत ज्यादा समझने वाले है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी लोग सम्मोहित होते नहीं। अब कौन से हो सकते हैं कि जैसे जो लोगों को ऑर्डर लेने की आदत है वो लोग जल्दी सम्मोहित होते हैं। अभी ऑर्डर लेने की आदत किसको है? मतलब पुलिस डिपार्टमेंट है, सीधे ऑर्डर्स आते हैं, उनको लेना पड़ता है, वो लोग सम्मोहित होते हैं क्योंकि उनको आदत ही है। फिर नर्सेस है, तो नर्सेस जो लोग हैं, डॉक्टर लोगों के ऑर्डर्स जो डॉक्टर लेते हैं पेशेंट के लिए, ऐसे ऐसे ऑर्डर है, ये करो ये करो, तो फटाफट ऑर्डर लेते, तो वो फटाफट सम्मोहित होते हैं। बच्चे लोग बड़ों की ऑर्डर लेते हैं तो बच्चे लोग जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं। तो ये लोग जल्दी सम्मोहित होते हैं जिनका मतलब 12 साल के नीचे के बच्चे जो है फटाफट, मतलब वो तो वैसे ही सम्मोहित ही रहते हैं। 12 साल के नीचे बच्चों को जरा आप बोलोगे ये करो वो करो, फटाफट फटाफट कर लेंगे, वो ज्यादा कुछ एनालिसिस करेंगे नहीं, जैसा बड़ों ने बोला वो कर डालते हैं। तो फिर वो सम्मोहित जल्दी होते हैं, उनका सम्मोहित नहीं होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि बच्चे 12 साल के नीचे ऐसा समझ के चलो वो सम्मोहित ही रहते हैं। जैसे जैसा आपका सुपर ईगो जो है वो बनता जाता है, और सुपर ईगो जितना ज्यादा कड़क है, सुपर ईगो जितना ज्यादा एनालिटिकल है, वो सम्मोहित सामने वाला व्यक्ति नहीं होता। तो यदि कोई सम्मोहित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो एनालिटिकल ज्यादा है, ज्यादा बहुत एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान और खुद को बहुत ज्यादा समझने वाला है, मंद बुद्धि का है। और कुछ लोग ऐसे है 5% लोग कि वो सम्मोहित होते नहीं, पता नहीं क्या कारण है, मगर होते नहीं। अभी कुछ लोगों की ऐसी गलतफहमी है कि मैं सम्मोहित हो जाऊंगा तो मेरे मन का सब कुछ निकाल लेंगे, इसलिए फिर वो लोग सम्मोहित होते नहीं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि किसने ठहरा लिया कि मैं सम्मोहित हूंगा मगर मैं कुछ बताने वाला हूं नहीं, तो फिर कोई निकालने का सवाल ही नहीं है। फिर किसको ऐसा लगता है कि सम्मोहन करता जो है मुझे सम्मोहित करेगा और उसके कंट्रोल में आ जाऊंगा और वो जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा, इसलिए मैं सम्मोहित होता नहीं, तो वैसा भी कोई कंट्रोल में आने का कारण नहीं है। आप कंट्रोल में नहीं आ सकते किसी के, आपने चाहा तो आएंगे, आपने चाहा तो नहीं आएंगे। फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लेडीज है ना वो सम्मोहित होती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि लेडी जल्दी सम्मोहित होती है करके, सजेस्टिबल यदि लेडी है तो वो सम्मोहित होंगी। सम्मोहित करके किसी के मन के अंदर की बात उसके मन के खिलाफ निकाल नहीं सकते। सम्मोहन होने के बावजूद भी मॉरेलिटी अच्छा बुरा वो लोगों में मतलब वो प्रेजेंट रहता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं रहता मालूम। मतलब समझो सम्मोहित किया उसको बोला कि अभी तू चेक लिख के दे दे, तो चेक लिखेगा नहीं, वो
उसको मालूम है कि मैं चेक लिख के ऐसे पैसे दूंगा नहीं तो वो चेक लिखेगा नहीं, कितना भी डीप सम्मोहन अवस्था में होगा तो। या एखादे बैंक के कैशियर को सम्मोहित किया और उसको बोला कि चल कैश की चाबी दे दे तिजोरी की, तो वो देगा नहीं। या सम्मोहित किया हुआ है तो एखादी लेडी है समझो सम्मोहित हुई है, तो उसका पल्लू भी नीचे गिर जाता है तो वो उसको भान आ जाता है, वो पल्लू सीधा कर लेगी। मतलब वो जो बुद्धि है सत्सत विवेक बुद्धि, वो जागरूक रहती है और वो ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ करने देंगी नहीं। मगर बहुत ज्यादा डीपली सम्मोहित है, बहुत ज्यादा डीपली सम्मोहित है, डीप ट्रांस में है, तो पता नहीं उस समय कुछ होगा तो मालूम नहीं, क्योंकि बहुत ही डीप ट्रांस में है और फिर उसका गलत फायदा कोई सम्मोहन करता उठा सकता है। यदि बहुत डीप ट्रांस में वो बार 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 सम्मोहन कर रहा है सामने वाले को, अभी सवाल यह आता है फिर बार बार सम्मोहित वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका विश्वास है करके हो रहा है, और जब विश्वास है तो फिर गलत करेंगे यदि सम्मोहन करता, तो ऐसा वो विशेष साइकिल है कि यदि विश्वास है तो ही बार बार होगा, और जिसके ऊपर विश्वास है वो गलत फायदा कोई फायदा उठाएंगे नहीं, गलत कुछ करेगा नहीं। अच्छा, डीप ट्रांस में जो है उसको मालूम नहीं रहता कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, उसको समझो सूचना दिया कि आप जाके कूदो और ऊंचाई पे लेके गए उसको कूद मारने के लिए बोला, बहुत डीप ट्रांस में तो शायद कूद मार लेगा, मतलब जंप कर लेगा, मगर लाइट ट्रांस में है तो वो नहीं मारेगा, उसको उतना मालूम रहता है कि यहाँ मैं गिर जाऊंगा। तो किसी का चेक आप लिख के ले सकते नहीं, किसी में से के पैसे निकाल सकते नहीं, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, बलात्कार नहीं कर सकते, सेक्स संबंध प्रस्थापित नहीं कर सकते सम्मोहन अवस्था में। कुछ लोग ऐसा होता है कि सम्मोह वो एक्चुअली लालच में भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लालच में आके कुछ भी कर लेते हैं। जैसे कोई लेडीज है लालच में आके गले का मंगलसूत्र निकाल के देंगी, बोले पॉलिश करना है, फ्री में पॉलिश हो रहा है, और सामने वाला वो उसका सोना निकाल लेगा उसमें का। या कोई लेडी कोई लड़की है अपने दोस्त के साथ में निकल जाती है, वो बाहर जाएंगी एक दो दिन घूम फिर के आएंगी, बोलेंगे मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा, मेरे को सम्मोहित कर लिया, किसने किया कहाँ किया कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो सम्मोहन इसके लिए बदनाम किया जाता है, वो एक्चुअली सम्मोहन नहीं है, वो लड़की जानबूझ के गई हुई है भाग के वो लड़के के साथ में, अभी अपना चेहरा उसको छुपाने का है, फेस सेविंग करने का है, इसलिए सम्मोहन का सहारा ले रही है। लालच में गले का मंगलसूत्र निकाल के दे दिया कि भाई फ्री में पॉलिश करके मिलेगा, अपनी लालच जो है वो एक्सपोज हो जाएंगी, इसलिए फिर सम्मोहन का सहारा ले आया था कि पता नहीं वो आया और उसने मेरे से पैसे लेके गया या मंगलसूत्र निकाल के लेके गया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। तो कोई किसी को भगा के ले जा सकता नहीं, कोई लड़की को भगा के ले जा सकता नहीं, कोई लड़की के ऊपर सेक्स संबंध प्रस्थापित नहीं कर सकता, कोई चेन निकाल नहीं सकता, गले का मंगलसूत्र निकाल नहीं सकता, सम्मोहन करके सब जो भी सम्मोहन के नाम पे बोला जाता है सब गलत है, वो हिप्नोटाइज ऐसा होता ही नहीं, ऐसा किया भी नहीं जा सकता। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो सम्मोहित हुए नहीं, मेरे को सब मालूम था आजू बाजू में क्या हो रहा है, तो आजू बाजू में क्या हो रहा है आपको सब मालूम पड़ेगा या रहेगा जब आप लाइट या मीडियम ट्रांस में हो, मतलब हल्की फुल्की सम्मोहन की अवस्था है, तो आपको मालूम रहता है क्या हो गया, उनको लगता है कि मैं तो सम्मोहित हुआ ही नहीं, एक्चुअली वो सम्मोहित हुआ रहता है। सम्मोहनकर्ता के पास में कोई ऐसी पावर नहीं है, सम्मोहनकर्ता एक नॉर्मल व्यक्ति है जो प्रैक्टिस करके लोगों को सम्मोहित कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सम्मोहनकर्ता के पास में कुछ पावर है, कोई दैवी शक्ति है, कोई उसमें ऐसा कोई ताकत है कि जिसके वजह से वो वश कर लेगा, ये सब सम्मोहन के नाम पे खपाया जाता है, इसलिए फिर उसको वशीकरण विद्या, त्राटक विद्या ऐसे गलत गलत नाम दिए हुए हिप्नोटिज्म को। वैसे सम्मोहन कोई दुर्बल व्यक्ति को किया नहीं जा सकता, या लोगों में ऐसी गलत फहमी है कि सम्मोहित हुआ मतलब वो मन का बहुत दुर्बल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली दुर्बल व्यक्ति सम्मोहित नहीं होता, जिसकी मन की इच्छा है, पावरफुल व्यक्ति है, सूचना ग्रहण करने की क्षमता है, सीखना है उसको कुछ ना कुछ, वो जल्दी सम्मोहित होता है। सम्मोहन ये कोई जादू का प्रकार नहीं है, जादू टोना नहीं है, सम्मोहन करता जादूगर नहीं है, जादू के खेल नहीं है। जादूगर जो है वो जादू के खेल करता है, सम्मोहन ये जादू नहीं है, सम्मोहन ये एक अव्यक्त मन को बाहर लाने की एक अवस्था है और उसको सूचना देने की अवस्था है और उसकी जो ताकत है वो बाहर बताने की अवस्था है। कुछ लोग लगते सम्मोहन मुझे किया और मुझे जाग नहीं आई, तो ऐसा होता नहीं है, सम्मोहन में जाग आई जाती है बाद में। देखो जब तक सम्मोहन करता सूचना दे रहा है तब तक वो सम्मोहित अवस्था में, सम्मोहन करता ने एक बार सूचना देना बंद कर दिया और उसको छोड़ दिया तो उसको वो व्यक्ति को नींद आ जाएगी
और एक बार नींद हो गई तो बाद में वो खुद को जाग आ जाएंगी, जाग आके वो उठ के निकल जाएगा। सम्मोहन लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि नहीं मुझे एक बार सम्मोहित किया कि मैं अच्छा हो जाऊंगा। होता है ऐसा कि एक बार सम्मोहित किया, सूचना दिया, अच्छा हो गया, मगर वो होता है 7% लोगों में, 7% लोगों में ऐसा होता है। बाकी लोगों को बार 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 सम्मोहन करने की आवश्यकता होती है। यूजुअली सम्मोहन के जो एपिसोड्स है या मतलब उसके जो सेशंस है, सीटिंग्स है, हम 10 से 15 सीटिंग लेके वो सम्मोहन करते हैं। 10 से 15 सीटिंग हमारे यहाँ के करना है और घर में रोज सम्मोहन की प्रैक्टिस करना है तो उसका फायदा दिखेगा। एक ही दिन में फायदा नहीं होता है। सम्मोहन सीखना किसको है तो 2-3 दिन टाइम लग सकता है उसको, और 2-3 दिन टाइम के बाद में प्रैक्टिस किया तो वो व्यक्ति सम्मोहन सीख सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सम्मोहन में एक बीमारी ठीक हो जाएंगी दूसरी बीमारी चालू हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बीमारी ठीक हो जाएंगी दूसरी चालू होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बीमारी ठीक होगी तो एक ही बीमारी ठीक होगी, दूसरी बीमारी शुरू होती नहीं है। सम्मोहन में कोई धोखा नहीं है, सम्मोहन में कोई आदमी मरता नहीं है। सम्मोहन में ऐसा अभी तक कभी नहीं है कि सम्मोहन किया और वो मर गया, ऐसा कहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड में है नहीं। ऐसा कभी नहीं है कि सम्मोहन किया वो सीरियस बन गया, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, ऐसा भी कभी किसी को हुआ नहीं है। ये नेचुरल अवस्था है जिसमें वो व्यक्ति ना जागृत अवस्था में है ना बेहोश अवस्था में, ना जागृत अवस्था में है ना सोने की अवस्था में है, वो बीच की अवस्था में जहां उसको एक रिलैक्स लगता है और सूचना ग्रहण करने की उसकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसी अवस्था सम्मोहन है। तो हमने देखे सम्मोहन बारे में क्या गलतफहमी है, सम्मोहन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।